हेलो एवरीवन, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के नेता जी के हल्द्वानी शहर के जो कलछा नाला है उसके ठीक समीप हूँ। एक बार फिर से यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी पानी था, आज फिर वीडियो बना रहा हूँ उससे भी ज़्यादा पानी आज यहाँ पर है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कलछा नाला कितना उफान में है। नीचे से देखिए वहाँ से जेसीबी मशीन लगी थी, अब मशीन भी हट गई है क्योंकि अभी पानी इतना बढ़ गया है। यहाँ पर काफ़ी खतरा है, यहाँ पर लोग यहाँ पर छाता लेके घरों पर हैं। क्या क्या अभी घटने वाला है यहाँ से लेके ऊपर तक का मैं सारा नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितना खतरा है क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। यहाँ पर हमारे जो ये बजरीपुरा का जो एरिया है कलछा नाला, वहाँ पर हमारे एक जो यहाँ निवासी है उनसे ज़रा बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे सर इस बारे में? तो जाल पड़ना चाहिए थे बहुत सही तरीके से, दीवार ऊँची होना चाहिए थी, ये दीवार बिल्कुल नीची है, ढलान इतना भर गया है उसमें, मशीन ने काम करा, ऊपर ही ऊपर का काम करके चली गई मशीन, नीचे गहराई करी नहीं उन्होंने। आपको मैं सीधे से एक क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन से क्या पता यहाँ के जो लोग देख रहे हैं या फिर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं लीगल बात करूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये नाला है, अगल बगल का जो क्षेत्र है इसके नज़दीक जो घर हैं, क्या ये लोगों ने नाले के वहाँ पर निर्माण करना चाहिए? जिस हिसाब से पिछले साल यहाँ पर बादल फटा, इस बार ये लोगों ने सुरक्षा खुद करनी चाहिए, खुद करना चाहिए थी। गलती किसके बताइए? ये जो मकान जिन्होंने नजदीक बनाए हैं यहाँ पर, ये तो नहीं सरकारी जमीन तो है नहीं, तो सरकारी लाभ मिलेगा बराबर। अब दीवार वगैरह कैसे आएंगे? सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी जमीन है, नजूल जमीन है, अब जितना भी कर रही है तो वो कर रही है ना, जो इधर को है पीछे उनके लिए तो बचाव करें। तो बचाव तो अब क्या बचाव करें बताओ, आप गेहूं के साथ तो घुन भी पिसेगा ना। हाँ, तो फिर अभी जो पीछे काफी दूर तक का है उन लोगों के लिए तो बचाव होना चाहिए। अब एक साल हो गया है, ये दूसरी बरसात आ गई यहाँ पर, तो ये काफी घर अभी भी नदी के किनारे बना रखे हैं, बहुत है, पूरा रिपेयर कर दिया हो घर, एक बार बहने के बाद उसको रिपेयर करा हुआ है, तो ये इस तरीके से ये पानी आ रहा है ये छोड़ेगा ना? कहाँ छोड़ेगा ये, तो प्रशासन को बोलेंगे कि हमको देखा नहीं, मुआवजा नहीं दिया। जी जी जी, फिर भी प्रशासन आपके लिए यहाँ पर बोल रही है, आपको नोटिस दे रही है कि आपको कॉलेज में रहना, कोई दिक्कत होगी तो। सही बात है, सही है कि नहीं? आप अगर घर बना रहे तो दीवार लगाना किसका काम? ये दीवार अपने जिन्होंने अभी ये किनारे किनारे उन्होंने खुद अपने हाथ से लगाई है, परसों लगानी चाहिए। अब लगा के क्या फायदा? आज तक कहाँ सोए थे? आज तक का इन्होंने लगाई नहीं है अभी तक का। गलती किसकी है? ये इन्हीं की है जो रह रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ हादसा हो गया तो किसको कोसेंगे आप भाई? किसको कहोगे? लास्ट में तो गवर्नमेंट का ही नाम लेते हैं, मगर अभी खुद को कोसना चाहिए जी, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नहीं करी जी। अब सब कुछ गवर्नमेंट के भरोसे थोड़े ना रहोगे। सही बात है ना, जब आप घर बना रहे हैं तो बुनियाद तो पक्की करनी चाहिए। सही बात है, पहली बात तो नजदीक बनाना ही नहीं चाहिए दोबारा निर्माण। तो आगे आने वाले समय में क्या देखते हैं आप इसको? आने वाले समय में क्या हटेगा ये, और क्या होगा? मतलब नुकसान हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, नुकसान तो बहुत हो सकता है, फिर किनारे किनारे के मकान है सब बह जाएंगे। तो रातों की नींद हराम है यार, रात को सो नहीं रहे लोग, दिन में भी नहीं सो रहे हैं, दिन में ना रात काम पे जा रहे हैं ना, काम पे जा रहे हैं, आप देखो बारिश है सब घरों में बैठे हुए हैं। बारिश तो अभी कंटिन्यू रहेगी, दो तीन महीना मानसून है। चलो ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं हूँ नीचे साइड कलछा नाला का, जो नीचे साइड का जो गोला बराज को जो जाता है वहाँ पर हूँ। वहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना रौद्र रूप है, लोग उधर के उधरी है, इधर के इधरी है, एकदम खौफनाक मंजर। कलछा नाला एक बार फिर से उफान पर आ गया है, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था एक दो दिन पहले ये उफान पर था, फिर से उफान पर आ गया। आज बहुत ज़्यादा पानी है, ऊपर चल के मैं भी बताऊंगा यहाँ पर और कितना पानी है, किस तरीके से यहाँ पर हालात है। देखिए नीचे साइड में तो यहाँ पर चकडाम वगैरह लगा रखे हैं, उतना खतरा है नहीं, मगर पानी के सामने कभी आप जीत नहीं सकते हैं। बड़े बड़े चकडाम, बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, ये तो फिर नॉर्मल चकडाम ही है। अभी ऊपर को क्या हालात होते हैं सारा कुछ मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा, बने रहना आप वीडियो में। अभी मैं ऊपर साइड को थोड़ा सा पहुंच गया हूं, यहां पर आप देखिए इसका रौद्र रूप, ये साइड को देखो, अगर एक भी दीवार का पत्थर निकला नीचे से, अगर थोड़ा सा भी कटाव हुआ तो भाई ये पूरा बहा ले जाएगा। ये देख रहे इतने बड़े बड़े पत्थर को जो लेके आया है, ये देखिए सामने का नज़ारा, ये पुल है, इसके पुल के नीचे वाले का क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जगह है कि कब क्या हो जाए यहाँ पर। अभी मैं ऊपर का भी क्षेत्र आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं ठीक वही जगह आ गया हूँ जहाँ मैंने पिछले बार वीडियो बनाया था। आप कह रहे होंगे कि बार बार ये वीडियो एक ही वीडियो क्यों बना रहा है, मगर आज स्थिति कुछ और है। आज पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पानी है। आप ये देख रहे होंगे जो सामने का घर है वहाँ पर अभी थोड़ा पत्थर वगैरह डाल दिए गए हैं, मगर क्या पत्थर बचेंगे? देखो एक एक पत्थर करके नीचे भी आ रहा है वहाँ से, देखो आप एकदम जोर से दिखा रहा हूँ मैं, देखो लोग वहाँ खड़े भी हैं कि कब क्या हो जाए करके। आज काफ़ी उफान पे है ये कलछा नाला, काफ़ी ज़्यादा उफान पे, ये देख रहे हो ये पुल है, लोग वहाँ पर खड़े हैं,
कि भाई कब क्या हो जाए। काफ़ी ये लोगों ने कल जो थोड़ा सा यहाँ पर धूप खिली थी, थोड़ा इन्होंने यहाँ पर दीवारें वगैरह लगाए, नीचे से पत्थर डाले, मगर इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी आएगा, हल्के फुल्के पत्थरों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 66 घरों को नोटिस दिया गया है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो पीछे यहाँ पर एक कॉलेज है, कॉलेज के वहाँ पर ये लोगों को आशियाना रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई है सरकार की ओर से। ये देखिए अभी मैं एकदम समीप हूँ, ये देखिए और ऊपर को मैं ज़रा दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखो आप भाई बहुत ज़बरदस्त मंजर है भाई, बहुत खतरनाक भयानक मंजर है। देखो किस तरीके से यहाँ पर उफान है, आज कंसर्न आ रहा है, सबसे ज़्यादा पानी आज आया, पहले की अपेक्षा आज सबसे ज़्यादा पानी है। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं भाई, इसमें बड़े बड़े पत्थर फुलते जा रही है, इससे भी बड़े पत्थर बह के जा रहे हैं। पूरा एकदम देखो, अगर सामने अगर कटाव हो गया तो भाई क्या पता कुछ अंधूनी हो जाए यहाँ पर, ये मकान थोड़ा सा ही हो जाए, हल्का सा ही रख तो लग ही रहा है मेरे को। जो आवाज़ आ रही ना, सब पत्थरों की आवाज़ आ रही है, एकदम गड़गड़ाहट की जो आवाज़ आ रही है। देखो ये साइड से भी बच्चे बड़े सब यहाँ पर हमारे से देखे हुए हैं कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है तो ये लोग फटाफट यहाँ से चले जाएंगे। रास्ता एक है, सिर्फ पुल, वार के लोग सिर्फ पुल से जा सकते हैं वो पार। देख लो खतरा बहुत है, काफ़ी पीछे लोग खड़े हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी भूदसाव होने वाला है। देखो ये साइड से अभी मैं ऊपर चल के और दिखाता हूँ, ऊपर का भी बहुत भयानक मंजर हो रहा है, बने रहना आप चैनल में। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो पिछले साल जो ये घर यहाँ पर टूटा हुआ था, इस साल भी इस घर को काफ़ी नुकसान होने वाला है। थोड़ी देर में अगर इसका ऐसे कटाव होता रहा तो भाई ये घर भी यहाँ पर से ढह जाएगा। इसकी कोई सुरक्षा ये लोगों ने नहीं करी, इसका अंजाम ये लोगों को यहाँ पर भोगना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पानी तेज है यहाँ पर। थोड़ा ऊपर साइड को आ चुका हूँ, आप ये सामने पुल देख पा रहे होंगे, जो ऊपर पहाड़ों को जो पुल जाती है उसके ठीक नीचे हूँ, उसके नीचे का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी भयानक मंजर है, काफ़ी यहाँ पर रोला आ गया है। देखो उधर साइड को दीवार लगाई है, वो जो दीवार दिख रही है वहाँ को भी लगभग थोड़ी देर में पानी बह जाएगा। और यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर बह के आए हैं, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, एकदम समीप से आ गया। अगर थोड़ा सा पानी और आएगा तो ये इधर आ जाएगा इनके घरों में। देखो आगे तक मैं ज़रा दिखा रहा हूँ, ये आजकल सीसी बना रखा है यहाँ पर, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है क्योंकि अभी इसका फीता लगा हुआ है, ये भी एकदम कच्चा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो ये भी यहाँ पर टूट सकता है, खतरा यहाँ पर कंटिन्यू बना हुआ है। देखो यहाँ से भी बाउंड्री लगाई है ये लोगों ने, ये घर को ज़्यादा खतरा है क्योंकि अभी यहाँ पर अभी ये दीवार लगाई है। कल ही लगाई है तो ये लोगों ने कल ही दीवार लगाई, इतनी जल्दी तो ये सेट होगा नहीं। तो आशा करते हैं कि ये पानी ज़्यादा इधर को ना आए। देखो यहाँ को भी पानी आ रहा है एकदम, देखो इतना बड़ा बड़ा पत्थर, और यहाँ क्या मलबा घुस गया क्या? ना ये तो दीवार आई, दीवार बनाई ना इससे। अच्छा कल दीवार बनाई? ये देखिए ये लोगों ने जो दीवार बनाई है उसके बाद जो इसका जो मलबा था वो यहाँ पर है, काफी यहाँ पर खतरा। देखो अंदर तक यहाँ पर पानी आ गया, देखो एकदम एक कोने में है, एक मिनट भैया, देखो यहाँ पर एकदम कोने में है, अगर थोड़ा सा पानी भरा तो सीधा घर में घुस जाएगा। वो पत्थर से थोड़ा बचाव है, आज काफी ज्यादा पानी यहाँ पर आ गया है। ये देखिए एकदम कोने में है घर, इस घर को ज़्यादा यहाँ पर खतरा है। ये देखिए अगर मैं नीचे का जरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए भाई जबरदस्त रोला हो रहा है भाई यहाँ पर, जबरदस्त। आपको मैं सीधे कल से नाले से तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से भी दिखा रहा हूँ। ये देखो वो जो उधर से देखिए, ये देखो उधर से लोग देखो वहाँ से खाता लेके आए हैं, देख लो आप, वो देखो वहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये खाता वाले, यहाँ से भी एकदम पानी आ रहा है भाई घर के एकदम बगल से।
अगर ये नाला भी तेज हुआ तो ये घर को भी यहाँ पर खतरा है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है। ये घर को तो यहाँ पानी भर गया है, अभी लोग हैं ऊपर, दो मंजिले में हैं लोग, और ये पिछले साल का जो घर पूरा नामो निशान मिट गया था वो है, बगल वाला घर ये है, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई क्या जो होगा। ये नीचे का मंजर आप देख ही होंगे, तो ये हालात है यहाँ पर। तो ये मकान आज के लिए बना हुआ है, इनको सब कुछ पता होने के बाद भी पता नहीं क्यों मकान बनाते। देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो ये घर कोने का है, देखो काफी रोला एकदम तक। ये देखिए गोला बैराज के सामने का एकदम रौद्र रूप कलसिया नाले का, देखो कैसे उफान पे, देखो इतनी तबाही मचाएगा अगर इसका जरा सा भी रुख उधर को जमीन के साइड हो जाएगा तो। देख रो, ये देखिए ऐसे हालात है आज। आज सबसे ज्यादा पानी है कलसिया नाले में, देखो ऊपर से छोटी छोटी जो है धाराएं आ रही हैं, लोग फंसे हुए हैं वहां पर, देखो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी कम होगा और कब जाएंगे, मगर वो सब भूल जाओ, नहीं होने वाला ये पानी कम। अभी यहाँ पर जो बजरीपुरा का जो क्षेत्र है, कलसिया नाला जो उफान पा रहे हैं, वहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं। मैंने आज यहाँ पर दिखाया कि लाइव यहाँ पर कितना पानी आता है, देखो पूरा भर गया है वहाँ से यहाँ तक। अगर ये बारिश यहाँ तक शाम तक अगर यहाँ पर बनी रहे इस तरीके से यहाँ पर पानी आता रहा, तो ज़्यादा देर नहीं है कि यहाँ पर ये घरों में घुस जाएगा पानी। यहाँ पर काफ़ी भू कटाव होगा, लोगों ने दीवारें भी लगाई थी, सारा कुछ मैंने आपको बताया। अभी आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है, समय समय के अपडेट में आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अभी वीडियो समाप्त करते हैं, अभी उस नए अपडेट के साथ फिर से हाजिर होता हूँ आपके साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आपको घर बैठे बैठे मैं जानकारी दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बजरी खाटू नाम से।